ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है भाई, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं भाई। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ डायोड, और उसमें भाई हम लोगों ने इस डायग्राम को समझ लिया था काफ़ी डिटेल में। अब यहाँ पे जो वीक स्टूडेंट है भाई, उनके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये जो आपका स्ट्रेट लाइन बना हुआ है या फिर कहिए जो आपका स्लोप है, ये आपको कैसे पता चल जाता है कि भाई ये रेजिस्टेंस को ही बताएगा या फिर कहिए कंडक्टेंस को ही बताएगा, कैसे पता चल जाता है ये? तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे भाई, और इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ओम्स लॉ का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, क्योंकि भाई ऐसे छोटे छोटे जो डाउट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। समझिए, जैसे भाई हम लोगों को पता ओम्स लॉ के हिसाब से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, यानी जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ेगा। और अगर आपने लास्ट वाला सेशन देखा होगा वो जो कि अप्रॉक्स 3 आवर्स का था भाई, देखिए जो भी लेक्चर दिया जा रहा ना भाई उसको आप स्किप मत किया कीजिए, भले ही आप 2x स्पीड पे देख लीजिए लेकिन आप उसको देखिए, इस लाइन का मतलब समझिए। कल ही मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक एल्युमिनियम के एटम की बात करूँ, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो हम लोग देखा था भाई कि रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ रहेगा, तो सीधी सी बात है जो वैलेंस बैंड में जो 3 इलेक्ट्रॉन है हो सकता है बाहर निकल जाए थर्मल एनर्जी के कारण, सही बात है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम के वायर के अंदर क्या कर रहा है, जिगजैग मोशन में इधर-उधर भाग रहे होंगे, इसके अंदर बिलियंस ट्रिलियंस एटम है, है ना, तो उन सभी एटम के वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके होंगे, यानी इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं, जिगजैग मोशन में भाग रहे हैं। तो अगर आप, क्योंकि भाई इसमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो भाई यहाँ पे अगर आप हल्का सा भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा भी हल्का पोटेंशियल मतलब 0.01 वोल्ट भी अप्लाई करते हैं भाई, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इधर मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस वायर के अंदर, इस वायर को समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा हो भाई, ठीक है ना, इसको आप और एक्सटेंड कर दिए नीचे तक, ठीक है, ये वायर जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने। देखिए एक अच्छा कंडक्टर किसको बोलते हैं भाई, जिसमें हम लोग एक स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल अप्लाई कर दें, यानी छोटा सा छोटा वोल्टेज अगर अप्लाई कर दें लेकिन उसके चलते भी अगर मेरे को करंट मिलने लग जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा बेस्ट कंडक्टर है, समझ में आया। तो वही चीज़ बोल रहा भाई कि रूम टेम्परेचर में इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे हल्का सा भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इस हल्के से पोटेंशियल कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हल्का सा वो सफिशिएंट होगा इन इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए, और जैसे ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो भाई यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इसका मतलब क्या है, जस्ट अपोज डायरेक्शन में वो करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन भाई समझिए समझिए, मैंने आपको बोला कि भाई ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे ये थर्मल एनर्जी के कारण क्या हो रखे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन बने हुए थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ पोटेंशियल में बढ़ा रहा, पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब क्या है भाई कि अब जो यहाँ पे यानी सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे भाई इनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस पड़ने लगेगा, क्योंकि भाई वोल्टेज बढ़ाने से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मैंने एटम को यहां पे रख दिया भाई, समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना सेकेंड ऑर्बिट के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने की कोशिश करेगा, जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है यहां पे, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा ये अपने बैलेंस बैंड से उखड़ने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और अगर आप फर्दर वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे तो सीधी सी बात है इस बैलेंस बैंड से भी क्या, यानी इस ऑर्बिट से भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस एल्युमिनियम के वायर के अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाएगा, और क्योंकि भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, सीधी सी बात है ये भी इलेक्ट्रॉन जो अभी जस्ट बाहर निकला है वो भी क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया भाई, इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा फ्लो होने लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, करंट मेरा बढ़ जाएगा, और अगर आप फर्दर वोल्टेज बढ़ाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि भाई
अब और भी जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, यहाँ वाले है ना, वो सब भी निकलना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है इस वाले ऑर्बिट से भी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए, है ना। तो वही है कि पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा स्ट्रांग हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने के कारण क्या हो रहा है भाई, स्टेप बाय स्टेप यानी बारी बारी से क्या हो रहा है, पहले बाहर वाले ऑर्बिट से पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर सेकंड ऑर्बिट से पूरा निकलेगा, फिर थर्ड ऑर्बिट से पूरा निकलेगा, समझ में आया बात को, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बढ़ते चला जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई कि जो वी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई के ऊपर, मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये मेरा ओम्स लॉ है भाई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं भाई, हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। हम लोग का भाई यहाँ पे ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेते वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मान लेते भाई मैंने वोल्टेज को दिखा दिया है, वाई एक्सिस पे भाई मान लेते मैंने करंट को दिखा दिया है। सही बात है? और क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आई है तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो भाई एक कॉन्स्टेंट कुछ आएगा, यानी रेजिस्टेंस हम लोग दिखाते हैं और आई हो जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, या फिर कहिए रेजिस्टेंस कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोग फिर वापस पीछे आएंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। अब यही समझना है भाई कि स्ट्रेट लाइन कैसे आपको बता देता है कि यही रेजिस्टेंस है। स्ट्रेट लाइन का मतलब इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं भाई, रेजिस्टेंस बनाया फिर कंडक्टेंस बनाया फिर 1/R मिलेगा, ठीक है, वो तो हम लोग स्लोप से निकाल लेंगे। लेकिन समझिए मैं क्वेश्चन क्या करना चाहता हूँ आपसे, अगर कोई पूछता है कि भाई मेरे को समझाओ कि ये स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, या फिर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं तो कैसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, कैसे होता है, इस चीज़ को समझिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे दो केस लेके चलेंगे, इधर भी हम लोग दिखा देते हैं, ये सब हम लोग हटाते हैं यहाँ से। ये अगेन मतलब सेम डायग्राम है भाई, बस एक्स एक्सिस पे मतलब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं वोल्टेज को दिखा दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, ये सब छोटा छोटा जो कन्फ्यूज़न है ना भाई, आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत करने लगता है फिर। और अगेन यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेके चले, क्योंकि दोनों केस में हम लोग ओम्स लॉ को यूज़ कर रहे हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्लोप का समझाता हूँ भाई। लास्ट वाले सेशन में बताया था स्लोप क्या होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करें। स्लोप का मतलब होता है भाई ढलान, ठीक है। अब समझिए हम लोग का जो ये एक्स एक्सिस होता है, अब जब भी मैं एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूँ मतलब दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, या फिर कहिए जैसे हम लोग का जो जमीन है, जो सतह है, जैसे मैं खड़ा हूँ भाई, ठीक है, हो गया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया भाई, यानी ये एक्स एक्सिस हो गया, और जिस दीवार पे ये बोर्ड लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। समझ में आया बात को, नीचे वाला जो फ्लोर है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फिर ये एक्स एक्सिस प्लेन है, और जिस पे ये बोर्ड लगा हुआ है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो भाई ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब क्या, जमीन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्लोर है भाई हम लोग का, ओके, ये फ्लोर है हम लोग का। तो समझिए पहले आप इमेजिन कीजिए भाई, ये जो लाइन था ना, ये लाइन पहले मेरा ऐसे था, ठीक है, यानी सतह पे रखा हुआ था। एक मिनट भाई, ये मूव नहीं करेगा, ऐसा समझिए ना, पहले ये लाइन ऐसे था, ये पेन से समझिए भाई, ऐसे रखा हुआ था हॉरिजॉन्टल पे, एकदम पैरेलल जमीन पे गिरा हुआ था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आया? यानी पहले मेरा इतना उठा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, समझ रहे बात को? तो अब समझिए भाई, फर्स्ट केस में इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर कहीं एक्स एक्सिस है, ये कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ एंगल बना रहा होगा भाई, मान लेते थीटा वन बना रहा है, ओके। उसी तरीके से जब सेकंड केस में हम लोगों ने इसको और थोड़ा सा इंक्लाइन किया, तो ये वाला भाई मान लेते हमारा ये थीटा टू है। थर्ड केस में हम लोगों ने और इसको इंक्लाइन कर दिया, तो ये मान लेते भाई मेरा थीटा थ्री है। और फोर्थ केस में हम लोगों ने इसको और ज्यादा इंक्लाइन कर दिया, मतलब थीटा फोर है। तो हम लोग कह सकते हैं भाई जो मेरा थीटा फोर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वही इंक्लाइंड है ना, जो थीटा फोर होगा, पता नहीं कलर दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो भाई, ये थीटा फोर सबसे बड़ा होगा, फिर आपका थीटा थ्री, फिर आपका थीटा टू, और फिर आपका थीटा वन। क्लियर हो गया? अब समझिए स्लोप का मैंने मतलब बताया ढलान भाई। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, कौन सा सबसे ज्यादा
मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा ढलान है भाई, किसके पास सबसे ज़्यादा ज़्यादा ढलान है। ढलान का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे यहाँ पे अगर आप एक बॉल रखते हैं तो इस बॉल को अगर आप इसे यहाँ से गिराएंगे तो सीधी सी बात है इसका ढलान कम है तो धीरे धीरे गिरेगा। वही अगर आप यहाँ पे अगर बॉल रखते हैं सेम बॉल को तो भाई ये क्योंकि इसका ढलान ज़्यादा है ना, ज़्यादा एक तरीके से ऐसे हो रखा है ना, तो यहाँ से बॉल क्या हो बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। वही अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो और तेज़ी से गिरेगा, यहाँ पर रखेंगे और ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। ढलान का मतलब सीधे सीधे स्लोप भाई, समझ में, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से बॉल गिरेगा नीचे। क्लियर हो गया? अब समझिए ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ भाई आपको। देखें स्लोप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ आपको अभी समझ में आएगा। ये है भाई मेरा वोल्टेज और ये है भाई मेरा करंट, सही बात है। हम लोग ओम्स लॉ जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं भाई कि जो रेजिस्टेंस है मेरा, क्योंकि हम लोगों ने भाई प्रोपोर्शन साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट साइन आता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो आपको पता है भाई रूम अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो सीधी सी बात है ये रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस कैसे कांस्टेंट रहता है और कैसे हम लोग ग्राफ से समझते हैं भाई मेरा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका चीज़ हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई। तो वी अपॉन आई का मतलब क्या है भाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V is to I, ये रेशियो का सिंबल होता है, समझ में आया। और रेशियो का मतलब कुछ नहीं भागा होता है भाई, डिवाइड कर देना सीधी सी बात, यानी R इक्वल टू क्या है V अपॉन I है। तो अब समझिए रेजिस्टेंस का मतलब भाई वोल्टेज अपॉन करंट। अब समझिए अगर हम लोग ऑलरेडी पता है कि जो रेशियो होता है ना, रेशियो ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा भाई आपने मैथ्स में, तो आपको पता है कि रेशियो अगर जैसे वी अपॉन आई है तो समझिए करंट को भाई अगर मैं 10 टाइम बढ़ा रहा हूँ और वोल्टेज को भी अगर मैं 10 टाइम्स बढ़ा दे रहा हूँ तो मुझे बताइए क्या इसके रेशियो में कोई बदलाव होगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, गेन क्या होगा, रेशियो मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया? उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भाई 10 से मल्टीप्लाई करें या फिर 20 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, यानी दोनों में सेम मतलब सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो कभी भाई रेशियो चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं वोल्टेज में 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, करंट में भी 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ भाई, तो ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में टर्म है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये करंट मेरा अगेन यहाँ आ जाएगा, तो अगेन कट के क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अभी भी मेरा जो रेशियो रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर मेरा रेशियो कांस्टेंट है, V अपॉन आई का रेशियो अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस भी मेरा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग स्लोप, यही सेम चीज़ मैं आपको स्लोप से समझाऊंगा भाई। तो अभी देखिए भाई, ये मैंने स्ट्रेट लाइन दिखा दिया है ना, इधर मेरा वोल्टेज इधर मेरा करंट। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है भाई, या फिर इसको हम लोग इजी रखने के लिए इसको फ्लिप करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज रखता हूँ और यहाँ पे भाई मैं करंट रख दे रहा हूँ, समझिए। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता भाई कि जब मेरा करंट इतना था, करंट जब मेरा इतना था तो वोल्टेज मेरा इतना होगा, ठीक है, वोल्टेज मेरा इतना होगा, सही बात है। उसी तरीके से अगर भाई मैं वोल्टेज को इतना बढ़ा दे रहा हूं, वोल्टेज मेरा इस बार इतना हो गया, इतना वोल्टेज है इतना, तो भाई करंट भी मेरा उसी रेशियो से बढ़ गया ना, समझ में आ रहा बात को, करंट में भी देख रहे हैं इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा, वोल्टेज जैसे बढ़ा वैसे ही मेरा करंट भी बढ़ गया। उसी तरीके से इस बार मैं वोल्टेज क्या कर रहा हूँ भाई, वोल्टेज इस बार मैं इतना बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, इतना बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है करंट भी मेरा उतना ही बढ़ गया ना, समझ रहे, करंट में भी सेम इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से अगेन वोल्टेज को और मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, वोल्टेज को मान लेते हैं मैंने इतना बढ़ा दिया, इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो सीधी सी बात है करंट में मेरा क्या हो गया, उसी रेशियो से चेंज आ गया, यानी जिस रेशियो से आपका वोल्टेज बढ़ रहा है उसी रेशियो से मेरा करंट बढ़ता है भाई। तो सीधी सी बात है अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई है। फर्स्ट केस में अगर आप कहीं मान लेते हैं 10 वोल्ट था और करंट भी मेरा 10 एम्पीयर, तो अगेन क्या होगा, वी अपॉन आई 10 डिवाइडेड 10 हमेशा रेशियो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा या फिर कहीं 1:1 रहेगा। उसी तरीके से ये हो गया 15 और ये भी आपका हो गया 15, तो अगेन 15 कट के क्या होगा, सेम 1:1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो मेरा हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है रेशियो, वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट, मतलब क्या, रेजिस्टेंस मेरा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये क्लियर हो गया? एक चीज और समझिए भाई, हम लोग यहां पे इस लाइन की बात करें तो भाई
इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होगा, ये समय मिटा दे रहा हूं, इस लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होगा, यानी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा ना भाई, समझ रहे है? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर उठा दूं भाई, ऊपर उठाने का मतलब क्या है, मतलब ऊपर उठाऊं या फिर नीचे करूं, देखिए इस लाइन को मैं थोड़ा सा और इंक्लाइन कर देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब मेरा स्लोप बढ़ चुका है, ध्यान समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको मिटा दूं भाई, पहले वाले लाइन को मैं मिटा देता हूं यहां से, और अगर मैं इसको लेकर के चलूं, तो इसका मतलब क्या हुआ इस बार कि भाई अगर आप x एक्सिस में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, क्योंकि पहले से ज्यादा इंक्लाइंड हो चुका है, x एक्सिस मान लेते भाई इतना मैंने चेंज किया, ये मेरा करंट है, ठीक है, तो वोल्टेज देख रहे हैं ये मेरा काफी ज्यादा लार्ज है, अगर x एक्सिस में इतना चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इतना चेंजिंग किया, लेकिन करंट देख रहे हैं कितना ज्यादा चेंजिंग हो गया, इतना ज्यादा हो गया, और वही अगर आप स्लोप को नीचे कर दे रहे हैं थोड़ा सा, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, स्लोप को थोड़ा डाउन कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, तो भाई ये स्लोप, यानी स्लोप मतलब क्या, ढलान भाई, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री इंक्लाइन है, कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इस बार एक्स एक्सिस में जितना चेंज होगा, एक्स एक्सिस में जितना ज्यादा चेंज करेंगे उससे कम चेंज जो है आपको वाई एक्सिस में देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा बात को, यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ इतना ही चेंज देखने को, लेकिन एक्स एक्सिस में क्या है, बहुत ज्यादा चेंजिंग देखने को मिल रहा, क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, यही चीज इसलिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 लाइन दिखाया भाई, कि यहाँ पे स्लोप कम है तो सीधी सी बात, एक्स एक्सिस में जितना ज्यादा चेंजिंग करेंगे उतना आपका वाई एक्सिस में चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा है तो भाई इसमें क्या होगा, जितना एक्स एक्सिस में चेंज करेंगे उतना ही वाई एक्सिस में भी चेंज देखने को मिलेगा, समझ में आया, और जैसे जैसे आपका ये स्लोप ऊपर होते चला जाएगा उतना ही क्या है, जितना कम मतलब जितना ज्यादा आप एक्सिस में चेंज करेंगे वाई एक्सिस में उससे ज्यादा एक तरह से चेंज देखने को मिलेगा। अब हम लोग स्लोप पे आते हैं भाई, स्लोप पे आते हैं, देखिए तो सबसे पहले तो ये समझ में आया भाई कि कहीं पे भी ओम्स लॉ है ना, तो कैसे रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जैसे अपने वाले केस में हम लोग अपना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है भाई, है ना, तो स्ट्रेट लाइन कहना मतलब क्या, यहाँ पे आपका जो रेशियो होगा वी अपॉन आई का जो रेशियो होगा भाई, यानी जितना आप एक्सिस में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने बोला लीनियर बन रहा था यहाँ पे इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या, जितना आपका वोल्टेज में चेंजिंग हो रहा है उतना ही आपका करंट में भी चेंजिंग हो रहा है, समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ, इनका जब आप रेशियो लेंगे R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, यानी वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो लेंगे भाई, तो हमेशा क्या आएगा, रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम लोग आर डी रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस बोल रहे थे भाई, समझ में आ गया, तो जो आर डी है वेरिएबल नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज का क्या है, रेशियो एक तरीके से कांस्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं भाई, अब हम लोग स्लोप के ऊपर आते हैं, स्लोप को समझते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब कल वाले सेशन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, स्लोप का मतलब मैंने आपको समझाया था, अभी स्लोप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले समझिए जो लाइन होता है, लाइन क्या है भाई, लाइन को भी समझने से पहले पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझिए, पॉइंट क्या होता है, जैसे कहीं पे भी पॉइंट का जिक्र होगा तो पॉइंट एक 2D प्लेन पे दिखाया जा सकता है, यानी पॉइंट को दिखाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाना पड़ेगा भाई हम लोग को, ओके, जैसे दो प्लेन होता है भाई, 2D हो गया, 3D हो गया, 3D को दिखाने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस चाहिए, तीन तीन प्लेन चाहिए हम लोग को, ठीक है, लेकिन 2D डायमेंशन के लिए जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो, सब क्या 2D है ना, समझ में आया, तो पॉइंट क्या है भाई, 2D है, तो कहीं पे पॉइंट दिखाना है, मान लीजिए यहाँ पे मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ भाई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, तो ये पॉइंट है भाई, तो इस पॉइंट का हमेशा क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट होगा, एक x एक्सिस के अलोंग इस पॉइंट पे आप खड़े हो जाइए, तो इस पॉइंट के अलोंग क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको x एक्सिस पे कुछ देखने को मिल रहा है ना, यहाँ मान लेते भाई आपका 4 है, और इस पॉइंट से इधर देखेंगे तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पे भी कुछ देखने को मिलेगा, ये मान लेते भाई आपका 3 है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, सो या फिर इसको हम ऐसे दिखाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे दिखाते हैं इस पॉइंट को, मान लेते हैं एक्सिस के अलोंग ये 4 है और वाई एक्सिस के अलोंग जब देख रहे हैं तो भाई ये मान लेते हैं 2, यानी इस पॉइंट का क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 4, पहले हमेशा एक्स एक्सिस को लिखते हैं फिर वाई एक्सिस को लिखा जाता है, ठीक है, ये मेरा एक्स हो गया और ये मेरा वाई हो गया, क्लियर हो गया, उसी तरीके से भाई मान लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर लिखते हैं 4 और ये 2,
उसी तरीके से मान लेते भाई एक और पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं 6 है, और y एक्सिस के अलोंग इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते भाई आपका 5 है, यानी इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, x एक्सिस का 6 और y एक्सिस का 5, क्लियर हुआ। तो समझिए कहने का मतलब क्या है भाई, और इसमें मान लेते हैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मतलब ये दो पॉइंट के बीच में क्या कर रहा हूँ मैं, बिलियन ट्रिलियन छोटे छोटे पॉइंट ले रहा हूँ भाई एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लेते हैं और हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, या फिर आप सीधे सीधे कहिए जो स्ट्रेट लाइन होते हैं भाई ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, फिर छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, समझ में आया बात को, क्लियर हुआ। और अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एक पर्टिकुलर हिस्सा लेते हैं इसका, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि अपने आप में क्या पॉइंट है, ये भी क्या होगा एक अपने आप में पॉइंट है, तो उसका अपना एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। यही चीज तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, यही चीज भाई मैं आप यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, ये मेरा वोल्टेज है, ये मेरा करंट है, ये वोल्टेज है। तो भाई जब हम लोग स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई इस पॉइंट के अलोंग क्या इतना मेरा करंट है और इतना मेरा वोल्टेज है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस पॉइंट के अलोंग इतना मेरा करंट है और इतना मेरा वोल्टेज, समझ में आया। तो कहीं पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे तो इसके अलोंग भाई इतना करंट है एक्स एक्सिस पे, इतना मेरा वोल्टेज है वाई एक्सिस पे, समझ में आया। तो ये लाइन आप सीधे कह सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर के बना हुआ है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते भाई, तो लाइन मतलब जो पॉइंट होता है भाई, पॉइंट से हम लोग क्या होता है, जब बहुत सारे पॉइंट एक साथ मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उससे मेरा लाइन बनता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, भाई तो अब इमेजिन कीजिए कि भाई ये एक तरीके से मेरा स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट दिया भाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग का, ये मान लेते हैं आपका 4 है और ये मान लेते भाई आपका 2, ऐसे दोनों बराबर हो जा रहा है ना, ऊपर नीचे करते हैं उसको, थोड़ा सा स्लोप में नीचे ले ले रहा हूँ, ठीक है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये मान लेते भाई मेरा 4 है, यानी एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट 4 है, वाई एक्सिस पे मान लेते 3 है, एक पॉइंट ये है मेरा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट 8 है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं आपका 5। ओके, तो अगर हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8 5, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो पॉइंट है कितना हो जाएगा 4 3 4 एंड 3, ये वाला पॉइंट। तो अगर मुझे भाई इस लाइन का स्लोप निकालना है, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है भाई, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग को पता है, इसको मिटा ही देते हैं यहाँ से, हम लोग को पता भाई यहाँ से लेके आते डिस्टेंस मेरा 4 है, कलर चेंज करता है, ये पूरा डिस्टेंस मेरा कितना है 4 है, और यहाँ से लेके आते पूरा डिस्टेंस 8 है, तो 8 में से 4 घटा देंगे, सीधी सी बात, ये डिस्टेंस मिल जाएगा मेरे को कितना बचेगा, 8 में से 4 यानी बड़े में से छोटा घटाएं ये डिस्टेंस, यानी 8 - 4 यानी 4 ही बचेगा ये। उसी तरीके से अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, टोटल 5 है, 5 में से अगर आप 3 माइनस कर दें, यानी इसमें से घटा दें क्या मिलेगा, 5 - 3 यानी 2 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 के इक्विवेलेंट, क्योंकि यही डिस्टेंस क्या ऊपर में क्या हुआ है, तो ये मेरा 4 हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके अलोंग हो जाएगा, यानी ये मेरा 2 हो जाएगा। इसका मतलब, और ये हम लोगों को पता ऑलरेडी है एक्स एक्सिस है, तो ये जो एंगल बना रहा होगा कितना होगा, थीटा होगा, तो सीधी ही बात है, कल ही बात सेशन होगा, ये इसके पैरेलल है और ये स्ट्रेट जा रहा है, तो सीधे ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग बाहर निकाले, भाई तो ये कितना है, ये 4 हो जाएगा, ये कितना है 2 हो जाएगा। तो हम लोग ये थीटा चाहते हैं, क्योंकि थीटा ही मेरा क्या है, एक तरीके से स्लोप है, यानी कितना एक तरीके से इंक्लाइंड है ना। तो थीटा की अगर बात, यहाँ पे हम लोग टैन थीटा लगा रहे हैं, क्योंकि टैन थीटा में क्या होता है, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम लोग को पता भाई बी यानी परपेंडिकुलर बेस पता, तो टैन थीटा लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाएगा। तो अपने मर्जी से नहीं लगा रहे टैन थीटा भाई, जो जो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू दिया उसी हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से लगाना पड़ता है। तो भाई हम लोग सबसे पहले देखते हैं पी, ये जो पी का वैल्यू आया, ये 2 आया कैसे भाई, ये 2 कैसे आया, तो हमने देखा कि भाई 5 में से 3 घटाया तब जाके हम लोग को 2 मिला, और ये 5 क्या है, ये मेरा x2 था और ये मेरा y2 था,
और ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे क्या था, x1 था और ये मेरा y1 था, समझ गए। तो समझिए ये वाला वैल्यू आया कहाँ से, हम लोगों ने y2 में से y1 को घटाया है ना, तो परपेंडिकुलर जो क्या कर सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई जो बेस, ये चार वैल्यू कैसे आया भाई, x2 में से x1 को घटाया तब जाके मिला, यानी x2 माइनस x1 करेंगे तब जाके हम लोग क्या मिल रहा है यहाँ पे, चार मिल रहा है, फिर ये वैल्यू आया है ना। और y2 माइनस y1 कर रहा है तो भाई सीधी सी बात है मेरा 2 आ गया, और x2 माइनस x1 कर रहा है तो भाई सीधी सी बात है मेरा 4 आ गया, समझ में आया। तो ओवरऑल समझिए, ये तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू पे समझाया, तो ये ओवरऑल क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ से अगर आप थीटा की बात करें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हो जाए आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और या फिर ओवरऑल समझिए, जो tan थीटा है ना भाई, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, समझ में आया। तो स्लोप कुछ नहीं, स्लोप कुछ नहीं होता है भाई, ये क्या बता रहा, सीधे सीधे चेंज इन y, y2 माइनस y1, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, चेंज इन y, या फिर कहिए इसको मैं लिख देता हूँ, या फिर ऐसा समझिए, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, समझ में आया। ये इसका ओवरऑल डेफिनेशन होता है, यानी y में कितना चेंजिंग हो रहा है और x में कितना चेंजिंग हो रहा है, इसका अगर आप रेशियो ले लेते हैं वही मेरा क्या हो जाता है, स्लोप कहलाता है भाई। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ना भाई, वही जस्ट मैंने आपको समझाया यहाँ पे, समझिए फिर से कि भाई ये पहले मान लेते इतना इंक्लाइंड था, फिर मैंने इतना इंक्लाइंड किया, फिर इतना इंक्लाइंड किया, तो आप देख रहे हैं कि भाई फर्स्ट केस में ये मेरा वोल्टेज है, मान लेते करंट है ना, तो भाई फर्स्ट केस में ये वाला लाइन लेके चल रहा है सबसे नीचे वाला, तो भाई जब मेरा वोल्टेज इतना था तो करंट मेरा इतना मिल रहा था, फिर वोल्टेज को मैंने इतना बढ़ा दिया, यानी वोल्टेज जब मेरा इतना था तो करंट मेरा इतना है, समझ में आया। ये I1 कर लेता है, I2 कर लेता है ना, फिर हम लोगों ने वोल्टेज इतना किया तो करंट मेरा इतना ही, समझे। वही अगर हम लोग स्लोप दूसरा लेते हैं, यानी दूसरे वाले लाइन पर काम करते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब X2 यानी X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में जो चेंजिंग होगा वो अलग हो जाए, क्योंकि भाई ये ज़्यादा इंक्लाइंड है, समझ में बात को। तो इस बार X में अगर आप छोटा सा भी चेंज करेंगे, एक्सिस में छोटा सा भी देखते हैं, इतना वोल्टेज पे करंट मेरे को लार्ज मिलेगा, इतना वोल्टेज पे करंट मेरा और लार्ज मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप ये वाले लाइन पे बात करते हैं, सबसे ऊपर वाला, तो भाई इसमें क्या है, क्योंकि और ज़्यादा इंक्लाइंड, इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस में थोड़ा सा भी चेंजिंग करेंगे, मान लेते इतना मेरा वोल्टेज है, तो एक्स एक्सिस में इस बार थोड़ा सा भी चेंजिंग करेंगे, इतना चेंजिंग कर रहा है तो भाई करंट है नहीं, वोल्टेज इतना सब वोल्टेज में क्या हो रहा है, करंट मेरा इतना मिल जा रहा है, क्लियर हुआ। तो वही है मतलब, समझिए भाई, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, कि भाई वाई में कितना चेंज हो रहा है, वाई में चेंज इतना करने से एक्स में कितना चेंजिंग देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग स्लोप बोल रहे हैं भाई। और जितना ज़्यादा स्लोप होगा भाई, जितना ज़्यादा स्लोप होगा, देख रहे ना भाई, स्लोप का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, मतलब वाई में जितना चेंज करेंगे उस रिस्पेक्ट में कितना एक्स में चेंजिंग हो रहा है, इसको मतलब समझिए आप। तो स्लोप कुछ नहीं, ये ढलान को बताया जाता भाई। अब हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि भाई ये जो लाइन खींचा गया था, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये जो लाइन खींचा जाता है ये कैसे हम लोग रेजिस्टेंस बताते हैं, यानी रेजिस्टेंस ही कैसे हो जाता है, ये कैसे हम लोग समझेंगे, तो इस पे आते हैं भाई। तो अभी तक भाई आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्लोप का मतलब कुछ नहीं होता है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, यानी वाई में कितना चेंजिंग करने से एक्स में कितना चेंजिंग आ रहा है, फिर इसी को हम लोग उल्टा बोल सकते भाई, एक्स में चेंजिंग करने से वाई में कितना चेंजिंग आ रहा है, इसको हम लोग स्लोप बोल रहे हैं, सही बात है। तो बस इसी स्लोप के कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे ये बता देते हैं कि भाई ये मेरा लाइन रेजिस्टेंस का होगा, कंडक्टेंस का होगा, या फिर कहिए कोई और चीज़ का होगा, कैसे आते हैं वापस से, समझिए भाई, क्योंकि हम लोग को रेशियो मिल जाएगा ना, जब आप स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पर रेशियो निकल जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ था ना, इधर आते हैं वापस, इधर देखिए भाई, ये हो गया मेरा करंट और ये मान लेते भाई मेरा हो गया वोल्टेज, मान लेते मेरा एक स्लोप दिया हुआ इस तरीके का, हम लोग को नहीं पता भाई ये स्लोप किस चीज का है, तो हम लोग को पता ऑलरेडी कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट देखा चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, और हम लोग को पता है वाई टू में से वाई वन घटाएंगे है ना, वाई टू में से वाई वन जब घटाया भाई, तो अभी भी हम लोग क्या है वाई एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं ना, अभी भी वाई एक्सिस वाला ही पैरामीटर मिला, यानी ओवरऑल इसको माइनस करने पे भी क्या होगा, ओवरऑल वाई ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय एक्स टू में से एक्स वन घटाएंगे तो अभी भी क्या होगा, एक्स टू में से एक्स वन घटाया तो अभी भी क्या है एक्स एक्सिस वाला ही पैरामीटर मिला है ना, जैसे रुपया में से रुपया घटाएंगे भाई, जैसे दस रुपये में से पाँच रुपया घटाए अभी भी क्या मिला आपको, रुपया ही तो मिला, समझ के बात को। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है,
वाई अपॉन एक्स आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, या फिर कहिए सीधे चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो कहने मतलब क्या है भाई, एक्चुअल तो फॉर्मूला ये है, लेकिन ओवरऑल माइनस करना है, वाई टू माइनस वाई वन करने पे भी क्या हो रहा है, वाई वन पे यानी वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं हम लोग, एक्स टू माइनस एक्स वन करने के बाद भी हम लोग एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं हम लोग, समझ में आया। तो टैन थीटा इक्वल टू आ गया भाई वाई अपॉन एक्स, है ना। अब हम लोग को पता है कि भाई हम लोग का यहाँ पे जो ग्राफ दिया वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा है, करंट को दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे दिखा क्या दिखा रहा है, वोल्टेज को दिखा रहा है। अब हम लोग को पता है भाई कि ये जो स्लोप है, ध्यान समझिए कि भाई जब हम लोगों ने एक्स एक्सिस में इतना चेंज किया, यानी एक्सिस में ये वैल्यू लिया इतना, तो वाई एक्सिस में इतना मिला, एक्सिस में जब इतना लिया तो भाई वाई एक्सिस में इतना मिला, है ना। तो भाई ये किसका रेशियो आ रहा है, जो स्लोप है ये किसका रेशियो आ रहा है, आई अपॉन वी का। और आई अपॉन वी क्या होता है भाई, ये कंडक्टेंस होता है, समझे। यानी ये जो स्लोप दिखाया गया है ये किस चीज के बारे में बता रहा है, सीधे सीधे कंडक्टेंस के बारे में बता रहा है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं भाई, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और वही अगर हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिए इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि अगर आप इतना वोल्टेज यानी वाई एक्सिस पे लेके चलते हो, ऊपर में वाई है, तो भाई अगर आप करंट में इतना चेंजिंग कर रहे हैं, है ना, करंट मेरा इतना है तो यानी वाई एक्सिस में इतना चेंजिंग हो रहा था, एक्स एक्सिस में भाई मेरा कितना इतना चेंजिंग देखने को मिलेगा, समझ गए। तो यही तो है इनका रेशियो, इनका रेशियो सीधे क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टेंस बता देता। तो ये जो लाइन है ये किसके बारे में जिक्र कर रहा है, किसके बारे में जिक्र कर रहा है, फिर लाइन क्या बता रहा है, लाइन को हम लोग स्लोप बोल रहे हैं, क्या बोलता है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई करके और चेंज इन एक्स करके देख रहे हैं, तो भाई ये रेशियो मेंटेन हो जा रहा है, यानी ये रेशियो आ रहा है मेरा। जैसे यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या भाई, फिर से समझा रहा हूँ टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। मेरे पास कुछ इस तरीके का भाई दिया हुआ था, ये भाई मेरा करंट है, ये मेरा वोल्टेज है। अभी मान लेते भाई हम लोग का पहले वोल्टेज इतना था, इस वाले वोल्टेज पे काम कर रहे थे, और करंट मेरा ये था। मान लेते जो करंट है भाई ये मेरा 2 एम्पियर है, या फिर कहिए 2 एम्प, और ये वोल्टेज जो था भाई ये मान लेते मेरा 3 वोल्ट था, ओके। फिर हम लोगों ने क्या बोला कि भाई अब हम लोगों ने वोल्टेज को बढ़ा दिया, मान लेते मेरा 5 वोल्ट हो गया, और ये मेरा एक तरीके से कितना है, मान लेते 4 एम्प हो गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से स्लोप निकालें, इस लाइन का अगर आप स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालते मतलब क्या, सीधी सी बात है ये मेरा 3 है, ये मेरा 5 है, तो ओवरऑल 5 में 3 घटाएंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू आएगा ये कितना हो जाएगा 2, और ये टोटल मेरा 4 है और ये मेरा 2 है, तो टोटल में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा मेरा 4 में से 2 यानी 2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल में आप टेन थीटा लगा लीजिए, तो टेन थीटा वही तो फार्मूला लिखा डायरेक्ट, वाई टू माइनस वाई वन। तो वाई टू कितना था भाई, वाई टू मेरा 4 था, माइनस वाई वन कितना था 2 था, डिवाइडेड बाय एक्स टू कितना था मेरा 5 था, एक्स वन कितना 3 था, तो ओवरऑल क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2, ओवरऑल क्या आ गया 1 के बराबर। तो ओवरऑल समझिए कि भाई ये करंट था, ये 4 एम्पीयर ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये वोल्टेज था, ये भी वोल्टेज है, तो भाई करंट में से करंट को घटाने के बाद क्या बचाइए, अभी भी करंट ही तो है, ये अभी भी एम्पियर है, और वोल्टेज में से वोल्टेज घटाने के बाद भी अभी भी क्या है, वोल्ट है। तो एम्पियर अपॉन वोल्टेज क्या होता है, हमेशा कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, समझे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस को, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 1/r को, समझे। क्योंकि इसी लाइन से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई इतना चेंज करने से इतना चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में इतना चेंज कर रहे थे इतना आपका एक्सिस में चेंज हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बस एक्सिस को फ्लिप कर दूं, यानी यहाँ पे हम लोग का करंट कर देते हैं, यहाँ पे मेरा वोल्टेज हो जाता है और ये मेरा इस तरीके से स्लोप दिया होता है, इस बार क्या हो जाएगा भाई, मान लेते हैं मेरा फर्स्ट केस में भाई इतना यानी इतना वोल्टेज पे इतना मेरे को करंट मिल रहा था, मान लेते हैं मेरा 10 वोल्ट है और करंट जो मिल रहा है भाई ये भी 5 एम्प है, ठीक है। सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या किया कि भाई वोल्टेज मान लेते हैं मेरा इस बार हम लोगों ने 20 वोल्ट कर दिया और इस पे हम लोग जो करंट मिल रहा है ये मान लेते हैं भाई आपका 8 एम्प मिल रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सर स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा हम लोग को भाई ये वाला वैल्यू 8 एम्पियर दिया हुआ, ठीक है, तो टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो भाई मेरे को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 20 में से ये 10 माइनस कर देंगे तो भाई मेरे को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि ये इसी के लॉन्ग हो जाए, ठीक है, तो ये मेरे को ट्रायंगल मिल जाएगा, क्या हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। तो वाई टू कितना भाई 20, वाई वन कितना है 10 डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस है एक्स वन कितना, एक्स टू कितना 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3। तो अगेन देखिए ऊपर में क्या है भाई,
वोल्टेज में से वोल्टेज को घटा रहे हैं, नहीं अभी भी क्या है वोल्टेज ही बचेगा, करंट में से करंट को घटा रहे तो अभी भी आपका एम्पियर ही बचेगा, तो वोल्टेज अपॉन एम्पियर आ गया। इसका मतलब क्या है, जो स्लोप है किसके बारे में बता रहा है, रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है, समझे। तो इस तरीके से पता चलता है भाई रेजिस्टेंस, ये जो स्लोप है किस चीज का, रेजिस्टेंस का है फिर कंडक्टेंस का है, समझ में आया। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ओम्स लॉ में भाई, क्योंकि हम लोग का जिस रेशियो से, ध्यान समझिए, जिस रेशियो से भाई आपका एक्स एक्सिस में चेंज होता है उसी रेशियो में आपका वाई एक्सिस में भी चेंज हो जाता है। उसके कारण क्या है, आपका हमेशा वी अपॉन आर, वी अपॉन आई का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टेंस में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही सेम चीज भाई यहाँ पे इस वाले डायग्राम को समझिए कि भाई ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन आया, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यानी हम लोगों ने सबसे पहले स्लोप निकाला, स्लोप क्या आ गया, वन अपॉन आर डी आया था इसका, वन अपॉन आर डी समझ क्या, ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा भाई, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो आया था क्या आया था आपका, ये आपका आई अपॉन वी का रेशियो आया था, क्लियर हो गया। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, कंडक्टेंस है। और इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे तब जाके हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसका वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा था, कितना होता है, हम लोगों ने प्रूव किया था लास्ट सेशन में, आर डी इक्वल टू आपका था ईटा इंटू वी टी डिवाइडेड बाई आपका डायोड का करंट, और ये कैपिटल में था यानी डायोड का डीसी करंट, क्लियर हो गया। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई, नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और ज़्यादा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल को स्किप नहीं करना, न्यूमेरिकल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।